नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज का ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं वो सारे के सारे मेंस लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, राइट। चाहे SPI का एग्ज़ाम्स हो, चाहे IBPS क्लर्क का हो, सभी आपके मेंस लेवल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, राइट। तो सभी स्टूडेंट, यानी कि जिनको लगता है कि मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, राइट, वो मेंस की तैयारी में लग चुके हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर GK को कैसे तैयार किया जाए, राइट। कि GK हम कैसे तैयार किए करें कि एग्जाम्स के समय ना तो हम भूल पाए और अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नंबर भी गेन कर पाए, राइट। क्योंकि GK एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स ला भी सकता है और आपको सिलेक्शन से दूर भी कर सकता है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप कैसे पढ़ते हैं, देखिए बताने का काम मेरा है, डिपेंड्स करेगा आपके उसके ऊपर कितना हार्डवर्क करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, राइट, तभी वो चीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ओके, बताने का काम मेरा है, इंडिकेट करने का काम मेरा है, बस आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है, अच्छे से समय वहां पर लगाना है, एक एक चीज को क्लैरिफाई करते चलना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, और एक चीज और बता दूं, आप इन चीजों को करेंगे ना जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, गारंटी से कह सकता हूँ एग्जाम्स में आप कभी भी, जो एक स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर खिचड़ी बन जाती है हमारी, राइट, क्योंकि हम पूरा का पूरा पढ़ के चले जाते हैं। अब इस बेसिस पे पढ़िएगा और इसी पैटर्न पे पढ़िएगा, 100% आपकी ना तो खिचड़ी बनेगी और एग्जाम्स भी बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, ये आपकी जो नवंबर मंथ है, राइट, मेरा बेसिकली प्रत्येक मंथ के एंड में एक टॉप 100+ क्वेश्चंस का MCQs फॉर्मेट में PDF बनाता हूँ, राइट। इसमें आपको बैंकिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टैटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटरनेशनल्स, नेशनल सफर, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। ओके, आपको अगर जनवरी पढ़ना है, फरवरी पढ़ना है, मार्च पढ़ना है, अप्रैल, किसी भी मंथ का पढ़ना हो, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलता तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिविजन्स आपको करना है। ओके, तो देखिए अब कैसे आप तैयार कर सकते हैं GK को, मैं उस सबसे पहले आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, इन इन टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए यह भी साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, बट कौन कौन से टॉपिक भी इस पर आपको कंटेंट उठाना चाहिए, एग्जाम्स में वही टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग 17 से 18 टॉपिक है, आपको मंथली मंथली बेसिस पे करिएगा तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो पहला टॉपिक आप इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि एग्जाम्स आपका मान लीजिए जनवरी मंथ में है, जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम्स होना है, अगर सपोज करते चलते हैं, राइट, तो पिछले 6 महीनों का, इट मीन्स जुलाई से स्टार्ट करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2 क्वार्टर ये हो गए, एक आपका जनवरी का हो गया महीना, राइट, टोटल 6 से 7 महीने हो गए, तो
तो 6 से 7 महीने में प्रत्येक मंथ में कौन कौन से डेज बने हैं, कौन कौन सी थीम बनी है। राइट, अगर रटोगे ना तो खिचड़ी बनेगी। रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में बैठे 2 से 3 घंटा लिया, पूरा रिपीट कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया। राइट, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शाम को समय मिलता है तो शाम को एक बार सोने से पहले इसको रिपीट करिएगा। राइट, तभी आपको अच्छे से कवर होगा। आप पॉइंट से जो नोट करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट डेज एग्जाम्स में फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन। फिर आपकी है इम्पोर्टेंट ऑब्चुरीज, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जुलाई से लगाकर अभी तक। मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, प्रत्येक मंथ का कंटेंट अवेलेबल है, इतना बेहतरीन कंटेंट है, आपको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो ये ऑब्चुरीज है, मंथली बेसिस पे पढ़िएगा, ऐसा नहीं हो शारों के एक साथ आपने पढ़ लिया। मंथली बेसिस पे जुलाई मंथ में किन किन व्यक्तियों का हुआ, जून मंथ में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ, इस बेसिस पे पढ़िएगा। फिर आपके इम्पोर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी बुक्स रिलीज हुई है, हु इज द ऑथर ऑफ द बेस्ट बुक, ये भी आप जुलाई से सितंबर, अगस्त, राइट, आपकी जनवरी तक जरूर पढ़िएगा। मंथली बेसिस पे ध्यान रखिएगा, टॉपिक नोट करिएगा। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, बैंकिंग एस्पिरेंट, प्लीज लिसन टू केयरफुली। इफ यू आर प्रिपेरिंग बैंकिंग एग्जाम्स, प्लीज माय डियर एस्पिरेंट, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। राइट, एग्जाम्स में फिक्स है 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से, आप मंथली बेसिस पे कवर करते चलिएगा, एक मंथ डेली बेसिस पे कवर करिए, तभी आप कवर कर पाओगे। ओके, फिर आपकी है इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडेक्स एंड रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक पर पासपोर्ट है। राइट, इस टाइप की जो रैंकिंग होती है, इंडेक्स होती है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, जुलाई मंथ में निकाली कौन कौन सी रैंकिंग रही है इंडिया की, कौन कौन से फेमस रहे हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, राइट, किन किन व्यक्तियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट, चित परिचित कोई भी व्यक्ति हो उनको अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, राइट, कौन सी मिसाइल लॉन्च की है, राइट, उसको भी ध्यान में रखिएगा। इसरो ने क्या क्या किए हैं आपकी पिछले 6 महीनों में, वह भी आपको नोट करना है। ओके, फिर आपके नेशनल पार्क, ये स्टैटिक का पार्ट बनता है, जो नेशनल पार्क है जो 6 महीनों में रिसेंट में हाईलाइट में था, जैसे असम में 6 नेशनल पार्क हो गए, वो वहाँ पर हाईलाइट है तो डेफिनेटली पार्ट बनेगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा उनको भी। ओके, तो ये टोटल्स अभी तक 8 पॉइंट्स हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए। इट डेफिनेटली इनके ऊपर कमांड बना लीजिए, आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम्स हो इस हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। फिर आपके इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स, जैसे अभी जो श्रीकांत है बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने पहला सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए, तो इनका ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में ध्यान रखिएगा, ये स्पोर्ट्स पर्सन है ना, इनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे समिट एंड कॉन्फ्रेंस, G20 समिट हो गया, कोप का समिट हो गया, G21 का समिट हो गया, G7 का समिट हो गया, इस सारे समिट आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है MOU, जैसे कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इंडिया विजिट करता है, या इंडिया के प्रेसिडेंट बाहर जाते हैं, जैसे अभी रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, राइट, वह इंडिया में विजिट किया था उन्होंने, उनके कितने एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया के बीच, किन 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 वस्तुओं का किन कौन कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, ये आप पढ़िएगा इन महीनों, ध्यान रखिएगा पिछले 6 महीनों में, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स पिछले 6 महीनों को फॉलो करता है।
अच्छा, गवर्नमेंट की स्कीम रिसेंट में अगर किसी स्कीम के टर्म्स पूरा हुआ है 5 साल 6 साल राइट, या अभी लॉन्च की है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, फिर आपके नेशनल्स अफेयर्स जो करंट अफेयर का पार्ट बनता है, इंटरनेशनल्स अफेयर जो अगेन करंट अफेयर का पार्ट बनता है, ये आपको डेली बेसिस पे जीके पढ़ना ही पड़ेगा, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स पढ़ना ही पड़ेगा राइट। फिर आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस में कौन सा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है राइट, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है बैंकिंग, यह भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, इन्हीं टॉपिक पे कमांड बनाइएगा। फिर इकॉनमी और बिजनेस, कौन किस मूडीज हो गया, S&P हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया राइट, नोमुरा हो गया, किसने कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, यह आपको ADB हो गया, यह आपको पता करना है, नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर आपका एप्स एंड वेब पोर्टल, कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसके बारे में है, डेफिनेटली आप रीड कर लीजिएगा राइट, वेब पोर्टल के बारे में। टोटल 17 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपने होनेस्टी के साथ इन 17 पॉइंट्स को अच्छे से मंथली बेसिस पे कवर कर लिया तो गारंटी है एग्जाम्स में अगर 40 क्वेश्चंस आपके पूछता है, 40 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड, तो डेफिनेटली 32 तो आप कहीं नहीं छोड़ोगे, एक्यूरेसी भी आपकी 100% रहेगी अगर आप डेली बेसिस पे कंटेंट बना के इनको पढ़ेंगे तो ही। ओके, क्लियर। तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चंस हो, ध्यान रखिएगा रट्टा नहीं मारना है, डेली बेसिस पे रिविजन्स करना है सभी का राइट। कुछ इनमें से टॉपिक बेस पर मैंने वीडियोज बनाए हैं, कंटेंट भी प्रोवाइड किया है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी ओवरऑल यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है कि हाँ सर हमको अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, कुछ भी हेल्प कर के पाए हैं, तो एक बार लाइक तो बनता है राइट। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को राइट। अगर आपका कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अब देखिए कुछ जो टॉपिक मैंने बनाए हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट ओबिचुरीज नवंबर मंथ की राइट, आपको अक्टूबर सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं, आप डेफिनेटली वहां पर जाके जिस मंथ का आपको कवर करना हो कवर कर लीजिएगा राइट। ये नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट ओबिचुरीज हैं, उसी प्रकार नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, यानी कि ज़्यादा मेहनत ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पर नहीं लगाना है, केवल वीडियो को स्टार्ट किया, एक सेकंड रुकिएगा, केवल वीडियो को स्टार्ट करिएगा, वीडियो को स्टार्ट करिएगा, जो भी आपको कंटेंट मिलता है उसको देखते रहिए और नोट करते रहिए राइट। नेक्स्ट है आपकी नवंबर मंथ की इम्पोर्टेंट बुक्स, यानी कि किन किन व्यक्तियों ने बुक्स लिखी है, ऑथर कौन है राइट, लॉन्च किसने की है, ये भी आपका प्रत्येक मंथली बेसिस पे वीडियोज बनता है। चैनल्स पे अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। उसी प्रकार नवंबर मंथ की इम्पोर्टेंट बुक इम्पोर्टेंट डेज सॉरी, इन सभी का PDF भी मैं तैयार करता हूँ, आपको PDF चाहिए, PDF के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो PDF भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा सर हमको PDF दे दीजिए इन सभी का, जैसे नवंबर मंथ का जुलाई से लगाकर नवंबर मंथ राइट, सारे के सारे डेज का PDF आपको मिलेगा। उसी प्रकार इम्पोर्टेंट बुक्स है जुलाई से लगाकर नवंबर मंथ की इम्पोर्टेंट बुक्स आपको मिल जाएगी PDF के माध्यम से राइट। चाहिए कमेंट करिएगा, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, याद रखिएगा एक स्टेप आप निकल चुके हैं, अब आप आपकी मंजिल आपके सामने है, डिपेंड आपके के ऊपर करता है आप कैसे तैयारी करते हो, कैसे हार्डवर्क करते हो। ओके, बाकी ओवरऑल्स मेरा आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगा
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, और डेली बेसिस पे जीके जरूर पढ़ा करें। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद।